हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्मृति। स्मृति होम किचन में आपका सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, जो बहुत जल्दी से झट से बन जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गाजर हलवा बनाने के लिए मैंने ऐसे गाजर ले लिया है, रेड कलर का आता है सर्दियों में, वैसा वाला गाजर। और हम पहले उसका ऐसे ऊपर से उसका स्किन ऐसे निकाल देंगे और उसको कद्दूकस कर देंगे। मैंने सब गाजर को अच्छे से धो के ऊपर का स्किन निकाल दिया है। हम कुकर में बनाएंगे, इसीलिए मैंने बड़ा वाला साइज में, मोटा वाला साइड में किया है। आप देख रहे हैं, ऐसे बड़ा बड़ा साइज में मैंने किया है। हम सब गाजर को ग्रेट कर लेंगे। आप देख रहे हैं, मैंने सब गाजर को कद्दूकस करके रेडी करके रख दिया है। अब इसको हम कुकर में बिठाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। मैंने कुकर ले लिया है, उसमें मैंने बड़ा कड़छी एक घी डाल दिया है। हम डालेंगे अभी इसमें कद्दूकस कर रखा था गाजर को। आप देख रहे हैं, घी थोड़ा सा गर्म होगा तभी इसका टेस्ट अच्छा से आता है, ठंडा घी में नहीं डालेंगे। तो सारे गाजर को हम डाल देंगे और उसको 3 से 5 मिनट तक इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गाजर का हलवा कड़ा में बिठाएंगे तो 1 घंटा लगता है, ये बस 10 मिनट में हमारा गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। और घर में कोई भी गेस्ट आए तो आप झट से गाजर का हलवा भी बना के दे सकते हैं। मैंने अच्छे से इसको, आप देख रहे हैं कितना जल्दी, कितना सारा गाजर था। और हम थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम पे उसको भूनेंगे घी के साथ। आप देख रहे हैं, उसका थोड़ा सा पानी भी छोड़ने लगा है गाजर का। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। मैंने ज़्यादा दूध नहीं लिया है, 1 कप दूध ही लिया है। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको कवर करके 1 सीटी ही हम देंगे, क्योंकि हमने कद्दूकस कर लिया है तो 1 सीटी ही देंगे। हमारा 1 सीटी हो गया। कुकर का ढक्कन निकाल देंगे। आप देख रहे हैं ऊपर से कितना अच्छा दिख रहा है हमारा दूध भी थोड़ा सा है, और घी अच्छा से हमारा गाजर को अच्छे से भून लिया है। अब जितना दूध है हम उसको अभी सुखाएंगे, रिड्यूस करेंगे इसको। हम अभी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं हमारा दूध जो थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है। साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, जो अच्छा खुशबू आता है और टेस्ट बहुत अच्छा उसका बढ़ा देता है। अब हम डालेंगे उसमें चीनी। चीनी मैंने 1/2 कप ही लिया है, क्योंकि दूध भी है और गाजर बहुत मीठा है, तो आप अपने हिसाब से मीठा डालिए। और हम इसको अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। दूध चीनी डालते ही हमारा जो गाजर का हलवा है वो अच्छा से कलर आता है, क्योंकि हमारा जो चीनी है वो कैरमलाइज हो जाता है। साइड में हम थोड़ा सा घी में काजू और बादाम को अच्छे से भून लेंगे और उसको साइड में रख देंगे। आप देख रहे हैं हमारा दूध सूख गया है और चीनी कैरमलाइज होके अच्छा सा एक रेड कलर आया है, अच्छा सा कलर। ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसका एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए कुकर में। हम हमेशा कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन एक बार आप जब कुकर में बनाएंगे तब इजीली आप हमेशा गाजर के हलवा खाने के लिए पसंद करेंगे। हम डाल देंगे अब हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है, आपको डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं इसका कलर भी कितना अच्छा है, लगता है ना बिल्कुल मार्केट जैसा कलर, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप उसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।